बीजेपी के कपिल मिश्रा ने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल की विचारधारा के लोग पहले से ही जेल में हैं, उन लोगों को भी जमानत नहीं मिली है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली के लोगों ने सांस लिया। इसके साथ साथ कपिल मिश्रा ने यह भी कहा कि केजरीवाल पहले भी बतौर सीएम कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते थे, इसीलिए दिल्ली आज राहत महसूस कर रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। गिरफ्तारी सुनिश्चित थी, जिस प्रकार का उन्होंने रवैया अपनाया और कल हाईकोर्ट ने जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया उसके बाद यह स्पष्ट था। इस भ्रष्टाचार के तार अरविंद केजरीवाल के घर तक जाते हैं। 6 साल का दिल्ली की जनता का संघर्ष ये अब न्याय की ओर जा रहा है। मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर ही होना था और दिल्ली की माता बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, शराब का नशे का जाल जो फैलाया गया, उसका न्याय होने का समय। अरविंद केजरीवाल की सोच के ज्यादातर लोग ऑलरेडी तिहाड़ में ही हैं या देश की अलग अलग जेलों में हैं। इस प्रकार की अपराधी सोच की जगह जेल में ही होती है और आम आदमी पार्टी जो रवैया अपना रही है वो चोर मचाए शोर इसके रवैया है। उनके किसी भी व्यक्ति को देश की किसी भी अदालत से जमानत मिली नहीं है और कल का अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा उड़ा हुआ था वो ये बताता है कि उनको पता है कि चोर अब कानून के शिकंजे में पकड़ा जाए। राहुल गांधी भी बेल पर ही बाहर है तो किसी को बेल मिली है किसी को बेल नहीं मिली है, ये सब बैलगाड़ी पर सवार, भ्रष्टाचार की बैलगाड़ी पर सवार एक गठबंधन है जो एक दूसरे को, एक चोर दूसरे चोर को ईमानदार। दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भास्कर मिश्रा हमारे साथ इस वक्त राजोवेन्यू कोर्ट से जुड़े हैं, वहीं अभय आईटीओ से जुड़े हुए हैं। भास्कर, क्या अब आगे की रणनीति होगी आम आदमी पार्टी की, अब आगे क्या किया जाएगा उनकी तरफ से, क्योंकि वो साफ कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। और देखिए, रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है और कई महीनों पहले ही इसकी तैयारी कर ली गई थी। एक राजनीतिक संकट जरूर दिल्ली के सामने आने वाला है कि मुख्यमंत्री जो हैं वो जेल में रहेंगे, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। पूरी पार्टी कह रही है कि वो जेल में रह के ही सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे और पार्टी को भी हेड करेंगे। ये एक संवैधानिक स्थिति है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तारी हुई है, उनके कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। आज जो ये प्रदर्शन का कॉल दिया गया है, न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश भर में जहाँ कहीं भी आम आदमी पार्टी का संगठन है वहाँ उनके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो भी दफ्तर है उसके सामने प्रदर्शन करेंगे। शुरुआत यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय जो है दिल्ली में, वहाँ से करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। हालांकि पुलिस का इंतजाम ऐसा है कि बहुत मुश्किल होगा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि वो अपने दफ्तर तक भी पहुँचे। लेकिन नीति बिल्कुल स्पष्ट है, जब तक अरविंद केजरीवाल जेल में है, जब तक लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ये आंदोलन, धरना, प्रदर्शन लगातार आपको देखने को मिलेगा और जो कोई भी मंच होगा हर मंच से यही बात कही जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये मौका एक ऐसा है जिसमें आम आदमी पार्टी को तमाम पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट मिलता है। आप अंदाज़ा लगाइए, कल अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हो गई थी तब दिल्ली में संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के नेता हैं वो पहुंचे थे वहां पे अरविंदर सिंह लवली के साथ में और वो तक सपोर्ट कर रहे थे, जबकि आज से कुछ दिन पहले तक लगातार वो इस बात का विरोध करते रहे कि अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस पार्टी को नहीं आना चाहिए और बहुत मुश्किल होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, तरह तरह के आरोप वो लगाते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सब एक साथ आ गए और आम आदमी पार्टी के लिए ये जीत है। कल हमने देखा कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, चाहे राहुल गांधी हो, खड़गे जी हो, तमाम लोग ऐसे जो ट्विटर पे आए और सपोर्ट में ट्वीट किया, तो ये आम आदमी पार्टी को सूट करता है और आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि चुनाव से पहले जिस तरह का माहौल बना हुआ है और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट उनको मिल रहा है, इससे फायदा हो सकता है। वहीं एक दूसरा पक्ष है इसका, ये माना जा रहा था कि दिल्ली की जो राजनीति है उसमें चुनाव परिणाम बहुत ज़्यादा बदलने की उम्मीद इस बार 2019 से थी नहीं, ऐसे में अगर कोई कार्रवाई भी होती तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा, ये बीजेपी का आंकलन था। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि गठबंधन करने के बाद, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद ऐसा माहौल हो सकता है कि उनको इसका फायदा मिलेगा। फायदा आम आदमी पार्टी ये भी देख रही है, रणनीति ये भी है कि यहाँ से ज़्यादा फायदा उनको पंजाब में मिले। पंजाब में 13 सीट पे वो चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस गिरफ्तारी के बाद वो एक माहौल पैदा होगा जिससे उनको फायदा मिलेगा। हालांकि देखिए, एक बहुत बड़ी संकट है पार्टी के सामने कि पार्टी का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सब कोई जेल में है। कौन जाके मंच पे जाके जनता से ऐसा संवाद स्थापित करेगा जिससे लोग जुड़ेंगे इस पार्टी से और वोट करेंगे, ये एक बड़ी समस्या जरूर है। लेकिन ऐसा मान के चल रही है आम आदमी पार्टी की इस गिरफ्तारी के बाद और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट मिलने वाला है, उसके बाद जो माहौल बनेगा वो राजनीतिक रूप से फायदेमंद होगा। लेकिन ये आघात आम आदमी पार्टी के लिए बहुत लंबा है, ये सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए नहीं है,
मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हुई है वो एक साल से अधिक हो गया है, और अगर अरविंद केजरीवाल के केस में ऐसे होता है तो ये मान के चलिए लोकसभा चुनाव के बाद 2025 के जनवरी में जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने वाला है वो भी धुल जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए। तो बहुत मुश्किल जरूर है, लेकिन रणनीति ऐसी है कि धरना प्रदर्शन लगातार विरोध होंगे और शायद उसका राजनीतिक फायदा भी मिले।